हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्याणी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बायोग्राफी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। एक काफी जाने माने भारतीय अभिनेता है। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले टीवी सीरियल पर भी काम किया है। उन्होंने अभिनय करने की शुरुआत बचपन से ही की थी। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में ही टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखा और जल्दी फिल्मों में बतौर अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनकी सबसे खास बात यह है कि उनकी पहली फिल्म बहुत सुपरहिट फिल्म साबित हुई। एक अच्छे अभिनेता के अलावा भी वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 में दिल्ली के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी सुनील मल्होत्रा भारतीय मर्चेंट नेवी में काम किया करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 18 साल की उम्र में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज के दाखिला लिया और इसके साथ ही उन्होंने दूसरी तरफ मॉडलिंग करना भी शुरू किया। उनके अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में तब वो केवल 18 साल के थे। मॉडलिंग के काम से वो बेहद नाखुश थे, इसलिए उन्होंने 2010 में रिलीज हुई फिल्म माय नेम इज खान की करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करण जौहर की कॉमेडी ड्रामा और वरुण धवन के साथ आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की। उस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था। 2014 में परिणीति चोपड़ा के साथ रिलीज हुई फिल्म हसी तो फसी फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन का किरदार निभाया था। उसके बाद में उन्होंने उसी साल ही श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख के साथ रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक विलन में काम क्रिमिनल की भूमिका निभाई थी और ऋषि कपूर और आलिया भट्ट कपूर एंड सन्स फैमिली ड्रामा फिल्म में महत्वाकांक्षी लेखक की भूमिका निभाई थी। उन फिल्मों में से आखिरी दो फिल्मों ने प्रत्येकी 1 बिलियन की कमाई की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा पढ़ाई में काफी होशियार और बुद्धिमान थे। कला विषय में वो सबसे आगे रहते थे। उन्होंने करियर की शुरुआत केवल 16 साल की उम्र में ही की थी। उनकी टीवी पर रुचिराज चौहान सीरियल आती थी, उसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में रुचिराज चौहान का किरदार निभाया था। इसकी वजह से ही एक मॉडलिंग एजेंट की एक कैफे में पर नजर पड़ी थी। उन्हें गुलाब जामुन और जलेबी काफी पसंद थे। जब बचपन में वो पढ़ाई करते थे तो उस समय उन्हें दिल्ली के पीवीआर साकेत में बैठकर चिकन रोल खाते थे। वो समय उनका सबसे पसंदीदा समय था। एक फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वो कोको कोला कॉर्नेटा और अमेरिकन स्वान के ब्रांड उत्पादकों के लिए इंडोर्सर का भी काम करते हैं। 2013 में एक इवेंट में उन्होंने वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी के साथ में मिलकर काम किया था और इस इवेंट में जो फंड जमा किया था उसे उत्तराखंड के बाढ़ में फंसे लोगों को मदद के लिए दिया था। पुत्र के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बेटा के साथ मिलकर एक विशेष मुहिम में भी काम किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत नेक दिल इंसान भी है। वो जरूरतमंद लोगों की समय पड़ने पर मदद भी करते हैं। वो सामाजिक कार्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहते। उन्होंने हालांकि उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कुछ फंड देकर मदद की थी। इसके अलावा वो भी बेटा संस्था के लिए भी काम करते हैं। बेटा नामक संगठन पशुओं के कल्याण के लिए काम करवाने वाली संस्था है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपको अगर ऐसे ही और वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।